दोस्तों, मैं मृणाल आपके साथ फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल रिव्यू स्टोरी पर। और आज जो इंसान के बारे में हम बात करेंगे वो है तो एक बहुत ही आम इंसान, लेकिन अगर आपके कुछ जज्बा होना कुछ करने की तो वो फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हो या कितने गरीब, या फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ पर हैं, आप शहर में रहते हैं या आप गाँव में रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं एक ऐसे इंसान के बारे में बात करूँगा जिसके सिर्फ जज्बा, जिस सिर्फ सोच ने ही ये सोचने में मजबूर कर दिया बाकी सबको कि अगर आपके जज्बा है दिल में, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप अपने बियॉन्ड द लिमिट जाके भी आप कर सकते हैं। एक ऐसे इंसान जो है करीमुल हक, आपने शायद ही कुछ लोगों ने ये नाम सुना होगा या कुछ लोग शायद सुने होंगे। ये नाम बहुत ही जितना साधारण है उतना ही ये इंसान खुद साधारण है। ये एक पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव जलपाईगुड़ी ढोलागरी नाम के एक छोटे से गांव से ये बिलोंग करते हैं, जो कि मेन सिटी से बहुत दूर हैं। लेकिन इनके नाम शायद करीमुल हक जितना ना पहचानते हो आप, शायद ज़्यादा इनको पहचानेंगे एम्बुलेंस दादा नाम के। जी हाँ, ये वही इंसान है जो 2017 में पद्मश्री से भूषित किया गया है। इनके एक इतना बड़ा जो काम उन्होंने किया है, जो एम्बुलेंस दादा जो है वो पिछले बहुत साल से अपने एक सिर्फ दो पहियों को, एक बाइक को उनकी एम्बुलेंस की तरह बना के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उस गांव की या पहुंच जाते हैं जो पेशेंट को लेके वो हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। ही इंसान को लेकर अब ये एक मूवी आ रहा है, वो भी बॉलीवुड मूवी आ रहा है, जो कि डायरेक्टेड बाय है विनय मुद्गल, जिसका फिल्म 2020 के आपके जनवरी तक शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन बीच में लॉकडाउन के वजह से ये काम रुक गया। और इसके बीच जो है बहुत बड़ी खबर जो है कि ये किरदार जो निभाने वाले थे हमारे सुशांत सिंह राजपूत जी, जी हाँ, ये सुशांत सिंह राजपूत के पहले ये रोल ऑफर किया गया था, शायद वो इन रोल के लिए राजी भी था, लेकिन इस बीच जो हो गया वो तो हम सबको पता है, इसलिए ये प्रोजेक्ट पोस्टपोन भी हो गया था पहले लॉकडाउन, उसके बाद ये इंसिडेंट। तो फिर से उम्मीद की किरण जागी है, फिर से ये शूटिंग शुरू होने वाला है बहुत जल्द, शायद 2021 के जनवरी तक ये शुरू हो जाए। और इसमें बहुत बड़ी जो न्यूज़ आ रही है कि बादशाह नाना दद्दन शाहरुख खान जो है ये भी कर सकते हैं। अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन बहुत बड़ी जो सरप्राइज़ है वो हमें बहुत जल्दी पता चल जाएगा। एक ऐसे ही इंसान की कहानी को लेके ये बायोपिक होने वाला है, और मैं तो ये पढ़ के बहुत ही खुश हूँ कि हम सिर्फ क्रिकेटर नहीं, सिर्फ एक्टर नहीं जिनके लाइफ स्टोरी हमको जानना है, ऐसे जो रियल हीरो है और मतलब जिनके बारे में हम बहुत ही कम जानते हैं, ऐसे रियल हीरो की स्टोरी भी अब बड़े पर्दे पे आ रहे हैं। अगर ये देखते हुए अगर कुछ इंसान इंस्पायर्ड होता है तो ये बहुत ही बड़ी बात है, और शायद प्रोड्यूसर डायरेक्टर के भी यही चाहते हैं कि इसके वजह से कुछ सोशल मैसेज मिले, कुछ कि हम खुद के बारे में नहीं, हम सबके बारे में सोचना चाहिए। तो मैं तो बहुत ही खुश हूँ, और आप लोग ज़रूर बताइए कि आप कितना एक्साइटेड है ये प्रोजेक्ट को लेकर। और इसके बीच जो करना है कि सब्सक्राइब करना है, जल्दी से सब्सक्राइब करना है, फैमिली को बहुत बड़ा करना है। सो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और टिल देन मिलता हूँ मैं अगले वीडियो पर।